आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज ये जो मीटिंग है ये आने वाली एक तारीख यकूम मई के ताल्लुक से रखी गई है। जो यकूम मई और महाराष्ट्र डे, उस महाराष्ट्र डे की खुशी में और मजदूर डे, एक मजदूरों का त्यौहार, उस खुशी में हम ये मीटिंग ले रहे हैं कि आने वाले एक तारीख को हम इसी जगह से सुबह 10 बजे कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लहराएंगे और उसके बाद में यहाँ से निकलकर हम बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले पे जाएंगे, उनका सत्कार करेंगे, उन्हें फूल हार चढ़ाया जाएगा और उसके बाद में शिवाजी पुतला से होते हुए सिविल हॉस्पिटल जाएंगे। सिविल हॉस्पिटल में मरीजों को 25 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल शाम 5 बजे आसिफ बिल्डिंग मटेरियल की जो जगह है वहाँ पर मालेगांव तालुका कमेटी दयाना इसकी जानिब से जो है तो पक्ष इसकी जानिब से जो है तो आज एक मशवरती मीटिंग जो है तो कई मुद्दों पर रखी गई, जिसमें ईद मिलन प्रोग्राम भी था। अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद भी दी और इसमें जो है तो काफ़ी तमाम तादाद में लोग तशरीफ़ भी लाए और एक दूसरे से बगलगीर हुए, ईद मुबारकबाद भी दी और शुभकामनाएँ भी दी। अब इस मीटिंग में जो है तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी की गई, जैसे यकूम मई मजदूरों का दिन आ रहा है, महाराष्ट्र डे जिसे कहा जाता है, ये मजदूरों का दिन हुआ करता है लेकिन मजदूर लोगों को मालेगांव शहर में ये अलमिया है कि बहुत सारे मजदूरों को, बल्कि ज़्यादातर मजदूरों को ये पता नहीं होता कि आज हमारा दिन है, महाराष्ट्र डे है, हमारी छुट्टी का दिन है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो है तो मजदूर सरकारी लेवल पर दर्ज नहीं होते और रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनका, जैसे हमारे माथाड़ी कामगार हो गए और गौंडी कामगार हो गए, जो ठेकेदारों के नेतृत्व में काम करते हैं वो कामगार हो गए, बेगारी कामगार हो गए। हम उनको इस मीटिंग में, इस चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस मालेगांव तालुका कमेटी से जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की रहनुमाई बहुत अच्छे ढंग से की जा रही है, आप लोग काम काज करते हो, आपको उसका जो मुआवजा होता है सिर्फ वही मिलता है। अब आप लोग अगर इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सरकारी तौर से रजिस्ट्रेशन रहेगा आपका, तो आप लोगों को मालेगांव में और भी लोगों को जैसे सरकारी फैसिलिटी मिलती है, तो दो लोगों की मौत भी हुई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए, प्लास्टर वगैरह भी लगा हुआ है, मुझे ऐसी रिपोर्ट आई है। तो हमें दुख होता है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनको, हमको ये काम काज करने में दिक्कत आती है कि उनका सरकारी लेवल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो हम ये इस माध्यम से, इस चैनल से ये संदेश देना चाहते हैं, ये इत्तला देना चाहते हैं कि यहाँ पर गौंडी कामगारों का और हर किस्म के मजदूरों का काम काज सरकार हमको क्या स्कीमात हमारे लिए मुख्तस की है, जैसे गौंडी कामगारों को किट दी जाती है और उनको जो है तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप की आसानियाँ होती है, उनके घरों में उनकी जो बीवी है उनको डिलीवरी के लिए उनको फंड दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, आगे हाथ पैर टूट जाता है, कोई घटना हो जाती है, काम में कोई तकलीफ आ जाती है, तो उसको उसकी भरपाई भी उनके अकाउंट में डायरेक्टली आती है। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप सरकारी लेवल पर रजिस्ट्रेशन रहेंगे। अगर आप किसी किस्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप इन्हें सरकार से हटकर अपना काम काज कर रहे हो, ना ही सरकार आपकी कोई जवाबदारी लेती है, ना ही ठेकेदार आपका जवाबदार होता है। अगर आप सरकारी तौर से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार आपका पूरा जिम्मा लेती है, इंश्योरेंस रहता है, बाकायदा आपको हर किस्म की फैसिलिटी आपको मिलना तय है, लेकिन शर्त यह है कि आप हम लोगों से रابطہ कायम करें। मालेगांव तालुका कमेटी आपके लिए हमा वक्त तैयार है और इस मीटिंग में इस पर भी चर्चा हुई कि किस तरीके से मजदूरों को इसमें जोड़ा जाए, क्योंकि अभी रमज़ान महीना था, ईद थी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो तो वक्त अच्छे ढंग से गुजर गया है, तमाम लोग ईद वगैरह मना चुके हैं, तो अब ज़रूरी हो गया है कि अब इस काम काज पर बात की जाए। इसीलिए इस मशवरती मीटिंग में, जहाँ ईद मिलन प्रोग्राम, ईद एक दूसरे से मिलने का प्रोग्राम था और महाराष्ट्र डे का प्रोग्राम था, इसी पर
इसी में ये बात भी चर्चा की गई कि अब मजदूरों को जागरूक किया जाए, क्योंकि मजदूर लोग जब सरकार उनको फैसिलिटी देती है तो मजदूर उसके लेने से दूर क्यों है। इसके ताल्लुक से हम आपको ऐलान करते हैं कि आप बिला झिझक जो है तो मालेगांव तालुका कमेटी, जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं चैनल पर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रो जो इस कमेटी का स्थापना हुआ है, इस कमेटी से आप जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप हमसे रब्ता करें, हम पूरी रहनुमाई करेंगे और आपको पूरी फैसिलिटी दिलाएंगे। जो सरकार देती है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप उसमें सरकार के उसमें आते हैं, क्योंकि स्कीमात का फ़ायदा हम ही जैसे लोगों को, इन्हें हम ही जैसे लोगों के लिए सरकार जो तो स्कीमात बनाती है, लेकिन हम कहीं कागज़ पत्तर में नाकाफ़ी होते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो हमको उसका जो तो पूरा लाभ पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए हम ज़रूरी हो गया कि हम आप चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि तमाम गौंडी कामगार, बेगारी कामगार, जो इस किस्म के भी मजदूर लोग हैं, आप लोग जो है तो इस कमेटी से रब्ता कायम करें और इनसे मिलें और आप यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपके काम काज में भी इंशाल्लाह आगे जो भी तकलीफ रहेंगी उसको हल किया जाएगा। क्या करेंगे मालेगांव तालुका कमेटी में आपको रब्ता करने के लिए जो है ना, रमज़ानपुरा जावेद अकमल 9145450070, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। और मालेगांव तालुका कमेटी के जो सदर है कामरेड मकसूद अंसारी साहब हैं, आप उनसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर आप उनसे सुन लीजिए। कामरेड मकसूद अंसारी, मोबाइल नंबर है 9975-74-2135, गोल्डन नगर दुकान। मेरा मोबाइल नंबर है 99-23-29-51-71, रब्ता कर सकते हैं। मैं आरिफ खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ बेग, मेरा मोबाइल नंबर है 70-58-19-11-73। अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीस अन्ना, मेरा नंबर है 89-83-78-79-75।